नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसकी वीडियो है ये। यानी एक वैकेंसी 2022 में नहीं, वो 23 के शुरुआत में ही आ गई थी और उसके जस्ट बाद 2023 की एक और वैकेंसी आ गई थी, तो इसलिए हम इसे 2022 बोल रहे हैं। हालाँकि ये वैकेंसी 2023 में आई थी। इसका रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि जो इसकी लिस्ट आई थी हवलदार की, उसका फिजिकल भी हो चुका है, अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है। तो इस वीडियो में आप मुश्किल से 3-4 मिनट की वीडियो होगी, इस वीडियो में सारा समझ जाएंगे कि कब रिजल्ट आएगा। एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया था, ये आया था आपका 18/1/2023 को, यानी 18 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आता है, जिसमें टोटल वैकेंसी पहले हालांकि कुछ कम थी लेकिन बाद में उसे 12,523 थी शायद, इतनी वैकेंसी थी नोटिफिकेशन। इसके बाद इसका एग्ज़ाम हुआ आपका, ये हुआ 2 से 19 मई 2023 और 13 से 20 जून 2023, यानी दो उसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, 2 से 19 मई 2023 और 13 से 20 जून 2023 में। अब इसकी जो आंसर की आई आपकी, आंसर की ये आई आपकी 28 जून को। इसके बाद आंसर की आने के बाद आपका जो यानी रिजल्ट आया हवलदार का, हवलदार रिजल्ट यह आया आपका 2 सितंबर को। अब रिजल्ट आने के बाद उसमें चूंकि हवलदार की जो पोस्ट थी वो थोड़ी कम थी, 500 के लगभग थी और उसकी मेरिट एमटीएस से हाई जाती है हवलदार की। हवलदार का ये जो रिजल्ट आया ये आया केवल फिजिकल के लिए। अब इन बच्चों का फिजिकल कराया गया जो कि 26, 27, 28 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुका है। अब फिजिकल भी होगा, अब चल रहा है अक्टूबर, तो अब इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा? फाइनल रिजल्ट, ये जो फाइनल रिजल्ट है ये हवलदार का तो आएगा जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई होंगे उनके हिसाब से, यानी जितने बच्चे, जैसे 500 वैकेंसी थी तो 3000 बच्चों की लिस्ट आई थी ये 2 सितंबर को जो जारी की गई थी, उस लिस्ट में जो बच्चे हवलदार के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे वो, और जो बाकी बच्चे जो बचे 3000 में से उनका तो फाइनल सिलेक्शन है ही। तो अब एसएससी ने क्या किया कि 11 अक्टूबर को एक नोटिस डाला वैकेंसी के रिलेटेड, अब उसमें वैकेंसी घटा दी हैं, यानी अब जो वैकेंसी कर दी हैं वो हैं, जो अब नोटिस में बताई हैं वो कर दी हैं 11,788। अब देख लीजिए आप कितनी वैकेंसी कम होगी, यानी 700 वैकेंसी कम हो चुकी हैं एमटीएस में। अब ये जो 3000 बच्चे हैं, एक तो ये, यानी 500 तो हवलदार की मेरिट में चलेगी, उनकी तो मेरिट और बढ़ जाएगी थोड़ी सी, और जो एमटीएस की उनकी तो घटेगी सबकी मेरिट, तो 2500 बच्चे तो वो जो जिनका उस लिस्ट में नाम है, और बाकी 2500 घटा लीजिए इसमें से, इनका रिजल्ट आना है। ये जो रिजल्ट है ये आज 100% लिख कर ले लीजिए, या तो आपका आज आ जाएगा, अगर आज नहीं आया रिजल्ट एसएससी एमटीएस का तो फिर नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते सोमवार से और शुक्रवार के बीच आपका रिजल्ट 100% आना है, क्योंकि वैकेंसी इसीलिए बताई है एसएससी ने अपनी, इसकी ऑफिशियल साइट पर नोटिस है ये, देख लीजिए आज का, मतलब 11 अक्टूबर का, परसों ही नोटिस आया था ये वैकेंसी के बारे में कि इतनी वैकेंसी है फ़िलहाल, तो वैकेंसी 700 वैकेंसी घटा दी है। इसका फाइनल जो रिजल्ट है आपका आज है 13 अक्टूबर, आज शाम तक आना है, 6-7 बजे तक शाम तक देखिए आप रिजल्ट आ जाएगा। यदि आज नहीं आया तो सैटरडे संडे ऑफ है, इसके बाद 14-15 से 16 से और 21 के बीच में
यानी 16 से 20 मान लीजिए, 20 अक्टूबर इसमें आपका रिजल्ट आएगा एमटीएस का। अब इसकी यदि हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो दो मिनट में मैं कट ऑफ और बताता हूँ। हवलदार का तो आपको पता ही होगा कि 150 में से 154 पर कट ऑफ हो गई है। देखिए एमटीएस की जो जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी जर्नल की कट ऑफ यदि आपके 150 में से 115 नंबर हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद, और ईडब्ल्यूएस के 110 के आसपास, ओबीसी के 110 या 112, 110 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस 2। इसके बाद एससी के 105 और एसटी की 100। यदि इतने आपके नंबर हैं तो आपका एसएससी एमटीएस 2022 में 100% सिलेक्शन होगा, यानी सेफ जोन में आप बिल्कुल, कोई कितनी भी कट ऑफ बताता रहे, आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा या फिर अगले हफ्ते, आप वहां पर कट ऑफ बिल्कुल मैच कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों।